थाने स्टेशन के पास एक जगह है जहाँ पे अच्छी सी कुल्लड़ चाय मिलती है और ये जगह खुली भी है। Hey guys and welcome back to my channel, थोड़ा सा खुल मिल विद जुल मिल। आज मैं आया हूँ थाने कुछ खाने। So it's 2 p.m. in the afternoon and चलते हैं। I hope traffic ना मिले रास्ते में। So the good thing about this vlog is आज बीच में पवई लेक भी आ जाएगा एंड पवई लेक से निकलना है हमको ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हम लोग जा रहे हैं थाने। फील सो गुड व्लॉगिंग लाइक दिस बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंटली फील होता है कि मैं किसी के साथ हूँ, मेरे ऑडियंस के साथ मैं ड्राइव कर रहा हूँ। इट फील्स रियली नाइस। एक ज़माने में इंडिकेटर में बीप दिया करते थे तो पता चलता था इंडिकेटर चालू है, अभी इंडिकेटर में बीप नहीं है तो पता नहीं चलता चालू है या बंद है, तो बंद करना भूल जाते हैं, विच कैन बी अ रॉन्ग सिग्नल टू पीपल। सो इफ यू वांट टू राइड एफिशिएंटली एंड नाइसली एंड मेक श्योर व्हेन यू स्टार्ट योर इंडिकेटर यू क्लोज इट डाउन ऑल्सो। एंड सो वी आर एंटरिंग पवई। मेरी शुरुआत, मेरे इस चैनल थोड़ा सा खुल मिल विचुअल मिल की शुरुआत यही जगह से हुई थी। अभी चलते हैं आगे। हाईवे की तरह नहीं है, बम्प्स एंड पैचवर्क्स बहुत है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मच बेटर देन दैट, ड्राइव कर सकते हैं रिलैक्स एंड वी कैन कीप अ डीसेंट स्पीड ऑफ 60 to 70। देख सकते हैं ये पश्चिम में कितनी पॉपुलर होगी, पार्किंग स्पेस ही नहीं है। आई थिंक आई शुड गो आगे एंड देन कम बैक। आई थिंक यहाँ पे पार्क नहीं करना है मुझे। एक्सक्यूज मी, फाइनली पार्किंग ना मिलने की वजह से यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे पार्क कर दिया है बाइक। तो अभी वहाँ पे ट्रैफिक फुल था तो यहाँ पे पार्क कर दिया है। अभी रोड क्रॉस करके वी आर गोइंग टू कैंटनीज चाइनीज व्हिच इज आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन टू ईट। चलते खाने, होपफुली यहाँ पे जगह मिल जाए क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, वेटिंग भी बहुत है। मैंने नाम लिखवा लिया है ऑलरेडी। खा के देखते हैं कैसा लगता है। विद दिस व्लॉग आई एम फीलिंग सो ड्राउजी राइट नाउ बिकॉज आफ्टर ईटिंग दिस इज लाइक अ सुकून वाला खाना भी खाया है, लाइक परफेक्टली स्पाइस हो गया वो अच्छे से। तो अभी डेजर्ट के लिए अलमूव, इतना अच्छा खाना था, सही में अच्छा था। एंड लॉट ऑफ वैराइटीज है, चेकआउट दिस प्लेस। मैं लोकेशन डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो दैट्स इट, दैट्स इट गोइंग। तो ये चलते हैं डेजर्ट के लिए, बीच में थोड़ी सी चाय भी पी लेते हैं। थाने स्टेशन के पास एक जगह है जहाँ पे अच्छी सी कुल्लड़ चाय मिलती है और ये जगह खुली भी है। सो फाइनली अभी मैं दोपहर की चाय तो पी ही लूँगा। लेट्स हैव इट। So finally I'm having this cooler chai. चाय पीने के बाद जो ताजगी आ जाती है कुल्लड चाय स्पेशली चाय विला की, थाने स्टेशन के एकदम बिल्कुल सामने ही है। आप स्टेशन से बाहर निकलो और पूरा यहाँ पे चाय विला में आपको अच्छी सी चाय मिल जाएगी, बहुत सारी वैरायटीज की चाय मिलेगी। सो डेफिनेटली आप थाने में हो तो यहाँ की चाय पीना मत भूलना। एंड ये चाय पीने के बाद मैं इतना फ्रेश हो गया हूँ। चलते हैं आगे। अभी अपन जा रहे हैं प्रशांत कॉर्नर टू हैव सम
There's a cheese corn basket as a reward. We gave it. Sizzling Chinese khane ke baad, cooler chai peene ke baad, fresh hone ke baad, thoda sa sweet kha raha hoon. Aaj ka din bas food pe maine cheat hi kiya and I'm enjoying it. Foodie day. Rabdi, by the way. भाई साहब थोड़ा कैमरा उतार दो, हाँ अभी सही है। और खिलजी की तरह इन ऑल इट वॉज अ वंडरफुल फूडी लॉक ऑन अ बाइक। आज मैंने काफ़ी एंजॉय किया तीन जगह पे, कैंटनीज चाइनीज जहाँ पे ढेर सारा सिजलिंग चाइनीज खाया, दूसरा कुल्लर चाय चाय वाला पे, और अभी ढेर सारी स्वीट्स प्रसाद कॉर्नर पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, हिट द बेल आइकन। दिस इज नाइजल फ्रॉम द सगुल विल विद जिल विल साइनिंग ऑफ, क्योंकि मुझे भी भागना है, आई कांट यू नो कंट्रोल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड आई हैव टू रन बैक टू अंधेरी, और यहाँ कहीं पर भी पेन न्यूज़ मिल जाए तो वो भी चल जाएगा। सी यू देयर, बाय।